السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أولم يروا أنا جعل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون بس جبوا كشتي तो खलूस दिल से अल्लाह को पुकारते और जब कश्ती से उन्हें निजात मिल जाती किनारे लग जाते तो फिर शिरक करने लगते ताकि हमारी दी हुई नेमतों से मुकरते रहें और बरतते रहें और अन ये जान लेंगे ये दो आयतें हैं नाजरिन के राम सूरा अल कबूत की पैंसठ और छाछठ दोनों आयतों में मुश्किन की उस वक्त की सूरत हाल बयान की गई ज़रा खौर कीजिए कि किस अंदाज के वो मुशर थे पहली आयो तौर से समुद्र का सफर होता था हवाई जहाज का तो वजूद नहीं था समुद्र का लोग सफर करते थे दूर दराज के सफर को तो समुन्दर का सफर दस दिन बीस दिन का पच्चीस दिन का होता था खुद आज के तीस पैंतीस साल पहले लोग हज करने जाते थे तो आप जानते होंगे की क्या दिक्कत रहती रही होगी और कितना लम्बा टाइम लगता था मर जाते लोग तो समुद्र में उनकी लाश को गसल वगैरह दे करके बहा देते क्या करेंगे कहा लेकर जाएंगे तो जब समुद्र में तूफान आता कश्ती हिचकोले खाती तो मुश्किल शिर्क पर होते मगर उन्हें ये यकीन था उनका ईमान और अकीदा था कि अब अल्लाह ताला ही हमें बचा सकता है सोचिए दाअब मुखलसीन अलहुद्दीन लेकिन जब कश्ती समुन्दर के किनारे लग जाती बच करके वापस आ जाते तो फिर शिर्क करने लगते यानी एक छूट और मोहलत अल्लाह ताला उन्हें देता था और उस मोहलत और छूट का कितना वो गलत फायदा उठाते किनारे आने के बाद फिर वो उसी कुफर पे पलट जाते अल्लाह की नेमतों का इनकार करने लगते मुकर जाते नेमतों से फायदा उठाते थे सब कुछ करते थे लेकिन फिर उस पे तो पे कायम नहीं रहते वक्ती तोहहीद रहती कि अल्लाह हमें बचाएगा अनकरीब वो इस चीज को जान लेंगे इन दो आयतों में जो मसाइल साबित होते हैं पहली चीज कुफारे मक्का का शिरक इस जमाने के मुशरक से ज्यादा खतरनाक नहीं था या इस जमाने में जो लोग शिरक करते हैं इनका शिरक कुफारे मक्का से ज्यादा खतरनाक है दलील उसकी अल्लाह ने कहा कि जब वो कश्ती में सवार होते कश्ती डूबने लगती हिचकोले खाने लगती तो अल्लाह को खलूस दिल से पुकारते थे आज का मशरक क्या करता है मुसीबत में भी गैर अल्लाह को पुकारता है गाड़ी कहीं फंस गई मुसीबत में अरे अपने पीर को बुला लो खाजा को बुला लो उलिया को बुला लो और फला साहब को बुला लो फला को बुला लो मुशर अपने देवी देवता को बुलाएंगे और मुसलमानों में जो लोग शिर्क करते हैं वो मुसीबतों में भी ये अली दुश्मन की नली है कि नहीं तो इस वक्त ये शिर्क के मुसीबतों में भी बंदा गैर को पुकारता है मुशरकने मक्का कम अज कम मुसीबतों में

मौजूदा जमाने के मुशरक चाहे वो मुसलमानों में शिरक करने वालों गैर मुसलमानों में इनका शिरक मुशरकन मक्का से ज्यादा सख्त और ज्यादा खतरनाक है और इन आयतों से जो चीज साबित होती है दुआ करने का जो सबसे प्यारा तरीका है कि आदमी खलूस दिल से अल्लाह को पुकारे खलूस दिल से पुकारने पर अल्लाह सुनता है अल्लाह मुशरक की भी सुनता है जैसे मजलूम अगर कोई है काफिर ही क्यों ना हो उसकी भी अल्लाह ताला मदद करता है जालिम की भी मदद करता है उसके कुफर और जुल्म की वजह से नहीं दुनिया में अदलो इंसाफ का निजाम कायम करने की वजह से अल्लाह सुनता है आमाल का हिसाब किताब तो आखरत में होगा दुनिया में बंदा जिस चीज की मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे दे देता है चौथा मसला के अल्लाह की नमतों को पा करके अल्लाह की नियमतों को पाके झुटलाना इनकार करना ये कितनी बड़ी बदनसीबी है बंदे की अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया पांचवा मसला कुफार को डराया और धमकाया गया कि तुम अल्लाह के साथ इस कदर धोखा देते हो तो अनकरीब तुम इसे जान लोगे यानी इसे तुम जरूर जान लोगे इसलिए कि अपने अमल के साथ तुम अल्लाह के यहाँ पेश किए जाओगे छठा मसला मौजूदा जमाने के जो मुसलमान हैं जो दुनिया की खातिर दीन को बेच देते हैं आज दुनिया की खातिर आदमी दिन का कैसे सौदा करता ईमान बेच लिया मुसलमानों का सौदा कर लिया अरे एक से एक खतरनाक खतरनाक मामलाते हैं तो अल्लाह ताला ने उन पे उनकी सख्त तरदीद की और डराया धमकाया कि आदमी अपने हर अमल के बारे में पूछा जाएगा और अन करीब तुम जान लोगे इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मन अमिल मिन मुमिन चाहे मर्द हो या औरत हो जिसने भी नेक अमल किया ईमान की हालत में ईमान रखते हुए किसी ने आमाले किया तो फरमाए कि फल अनुह नहू हयातन तय उसे हम पाकिजा जिंदगी अता करेंगे बहुत ज्यादा माल नहीं की गारंटी नहीं दी गई बहुत मालदार बना देंगे दुनिया का नंबर एक बना देंगे नहीं पाकिजा जिंदगी पुरसकून जिंदगी इज्जत वाली जिंदगी हयात तय्यबा इसी को कहते हैं कि आदमी किसी का मोहताज नहीं होगा कोई टेंशन नहीं होगा फलन हयात तय्यबाजिय मन और जो अमल वो करते थे उनका अब हम बेहतरीन बदला देंगे कुफार को क्या कहा फसो फयामून अल्लाह को धोखा दे रहे हैं अल्लाह के साथ मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं मुसीबतों में पुकारे और खुशहाली में भूल गए मौजूदा जमाने के शिरक की उससे भी गई उधरी हो गई कि मुसीबतों में भी को पुकारते हैं कि कल्ला कल सऊफतम तुम सौफ़ सऊलमोन तुम जरूर इसे जान लोगे और फिर जरूर इसे जान लोगे और फिर ये भी कहा आखिर में तुम लतुस्ल दिन अन कि उस दिन तुम नेमतों के बारे में पूछे जाओगे आपको हैरत होगी कि काबा का तवाफ करते हुए भी बाज लोग या अली पुकारते हैं इधर उधर तो छोड़िए काबा का तवाफ करते हुए भी बाज लोग या अली पुकारते हैं सफा मरवा की सह करते वक्त भी पुकारते हैं या हुसैन पुकारते हैं ऐसा सुना भी जाता है देखा भी जाता है कितना खतरनाक मामला है मकाम इब्राहिम पर कोई जो है गैरल्ला को पुकारता है अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें शिर्क की खबासत से बचाए तौहीद के अकीदे की सलामती अता फ़रमाए और रामत के दिन हम जब अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो हमारे आमाल से अल्लाह हमसे राज़ी हो और दुनिया में अल्लाह में पाकिजा ज़िंदगी अता फ़रमाए व अला नबीन व वाला अजमईन नाजरिन कराम हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इन शाह इसके बाद हम आपकी खदमत में सूर्य कबूत की आयत नंबर सरसठ के साथ हाजिर होंगे जिसमें हरम शरीफ का जिक्र है कि हरम को अल्लाह ने अमन अमान का शहर बनाया हमें उम्मीद है कि जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इन शाह हमीब आपकी खिदमत में अगले अपिसोड में हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए जजाकमल ख़ैर वसलम वरह वबरकू समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउून ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें